होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ जीन को डिस्कस करें लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द मेंडेलियन इरा सो जीन वाज़ बेसिकली कंसीडर अ फैक्टर दैट वाज़ रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग सर्टेन करेक्टर जैसे अगर Mendelian है तो, तो किसी यानी एक ऐसा फैक्टर जो किसी करेक्टर को कंट्रोल uh, करे जैसे टाल पी प्लांट हैं स्मॉल पी प्लांट हैं सीड कलर है ग्रीन है येलो है सीड शेप है राउंड है रिंकल्ड है इस तरह एंड इट्स ट्रांसमिशन फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इन दो करेक्टर्स की बुनियाद के ऊपर जीन को डिफाइन किया गया था इन अ क्लासिकल वे कि इट इज़ अ फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सर्टन करैक्टर एंड इट्स आल्सो ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग आर फ्राम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन लेकिन जो जो मॉलिकुलर बायोलॉजी ने ग्रो किया मोलिकुलर बायोलॉजी डीएनए सीक्वेंसिंग हुई तो इट बिकेम वेरी क्लियर कि जीन क्या है बेसिकली अ डी एन ए फ्रैगमेंट कम्पोज ऑफ डी एन ए इन विच द न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इन अ वेरी स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेस अ फंक्शनल प्रोडक्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है एक नॉन जीनिक डी एन ए फ्रैगमेंट को फ्राम द जीनिक डी एन ए फ्रैगमेंट के जो नॉन जीनिक डी एन फ्रैगमेंट होता है वो फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं एनकोड कर सकता और जो जीनिक डी एन फ्रैगमेंट होता है ये वो होता है कि जो कोई ना कोई फंक्शनल प्रोडक्ट एनकोड कर सके एंड रेस्ट ऑफ़ द डेफिनेशन इज द सेम एज लाइक वी हैव डिसकस्ड इन द क्लासिकल डेफिनीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द करेक्टर एंड इस ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ अब वो फंक्शनल प्रोडक्ट की एक जहाँ तक बात है तो फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोटीन भी हो सकते हैं वो आर भी हो सकते हैं लाइक टी आर एन ए है राइबोसोमल आर एन ए है स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए है अजिस्ट आर एन ए है तो ये पेट डेफिनेशन है जीन की इट्स इट इज़ कम्पोज ऑफ़ ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन विच द न्यूक्स आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड स्पेसिफिकोड द फंक्शनल प्रोडक्ट सो अगर हम फिज़िकली वी वॉन्ट टू नो कि फिज़िकली जीन कहाँ पर लोकेट होते हैं कैसे होते हैं तो Uh, जो कि हम डीएनए की बात कर रहे हैं कि जीन इज़ कम्पोज ऑफ डी एन ए सो इट्स डी एन ए डबल स्ट्रैंडेड हेली का स्ट्रक्चर है और जीन दोनों स्ट्रैंड पे हो सकते हैं यानी इस स्ट्रैंड पे भी हो सकते हैं और जीन इस स्ट्रैंड पे भी हो सकते हैं फिर यही डीएनए पैक होता है ओवर हिस्टोन और ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं न्यूक्लियोसोम जो है इनकी रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्रोमाटिन कहते हैं और जब क्रोमेटिन टाइटली कंडेंस और डेंसली पैक हो जाए तो ये क्रोमोसोम बन जाते हैं सो अल्टीमेटली वी कैन से जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द्रोमोजोम तो वो जो स्पेसिफिक ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं कि जीन आर कम्पोज ऑफ द डी एन एन विच इनिफिक मीन्स केहते हैं सेट ऑफ़ थ्री न्यूक्टाइड स्पेसीफाइंग सर्टन अवानो एसड्स जैसे U U U इट स्पेसीफाइ फिनाइल एलिन अमाइनो एसिड U C U इट स्पेसीफाई सीरिन अमाइनो एसिड C C U इट स्पेसीफाइज प्रोलिन अमाइनो एसिड सो ये जो कुरान टेबल है ये बेसिकली इन सेट ऑफ थ्री न्यूक्लोटाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सेट ऑफ थ्री न्यूक्टाइड जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है कि किस अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें जनरली टोटली सिक्सटी फोर होते हैं जिसमें से थ्री स्टॉप कॉडान होते हैं यू ए जी एंड यू जी ए इनको स्टॉप कहते हैं क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं करते और बाकी के सिक्सटी वन कोडिंग कॉडानस होते हैं और जनरली मोर देन वन कोडान किसी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को इनकोड कर सकते हैं जैसे ये प्रोलिन है प्रोलिन कि ये चार कोडानस हैं ये चारों के चारों कोडानस प्रोलिन अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन तो ऐसे सेट ऑफ कोडानस को डी जनरेट कहते हैं अब है जी वो फीचर्स वो प्रॉपर्टीज जो जीनिक डीएनए फ्रैगमेंट के अंदर होती हैं जिसकी वजह से हम उसको जीन कहते हैं और नॉन जीनिक यानी एक सिंपल डीएनए फ्रेगमेंट जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं और तभी वो फंक्शन प्रोडक्ट कोड नहीं कर सकती तो वो प्रॉपर्टीज़ सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी प्रोमोटर साइट की ये एक स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द जीन में प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं जीन को टू एक्सप्रेस इट सेल्फ टू मेक द आर एंड देन आर टू प्रोटीन सो प्रोमोटर इज़ अ कंजर्व सीक्वेंस एट द स्टार्ट ऑफ द जी वर एन ए पॉलीमर इज गेट अटैच एंड ट्रांसक्राइव द जीन टू प्रोड्यूस आर एन ए आर एन ए बनाने के लिए और ये प्रोमोटर ऐसे डी एन ए फ्रेगमेंट जिनको हम जीन नहीं कहते प्रोमोटर सीक्वेंस वहाँ नहीं होते सेकेंड है जी रीडिंग फ्रेम रीडिंग फ्रेम मीन्स कंजक्टिव कोडिंग कूडान अट ऑफ कंजक्टिव कोडिंग कूडान इज कॉल्ड रीडिंग फ्रेम यानी जहाँ पे विदाउट द प्रजेंस ऑफ एनी स्टॉप कूडान ये बहुत सारे कोडिंग कोडान्स हों सारे इकट्ठे पड़े हुए हों कोई उनमें स्टाफ को उडान ना हो तो ऐसे फ्रेगमेंट को रीडिंग फ्रेम कहते हैं ये रीडिंग फ्रेम जनरली जीन रीजन के अंदर होते हैं यानी ये जीन की प्रॉपर्टी है ऐसा डी एन फ्रेगमेंट जिसको हम जीन कहते हैं वहाँ पर प्रोमोटर के फ़ौर बाद एक रीडिंग फ्रेम होगा प्रॉपर रीडिंग फ्रेम होगा लेकिन ऐसे डी एन ए फ्रेगमेंट जो नॉन जीन एक होते हैं उनमें रीडिंग फ्रेम नहीं बनता उनमें स्टॉप कोडान हर तीसरे चौथे कोडानस के बाद स्टॉप कोडान आ जाते हैं तो वो जनरली बेसिकली वो उनको फिर हम जीने रीजन नहीं कहते फिर अगर रीडिंग फ्रेम की बात करें तो रीडिंग फ्रेम प्रोक्रिया में इंटैक्ट होता है इनके अंदर कोई नॉन कोडिंग सेगमेंट नहीं होते जबकि यूक्रिया में रीडिंग फ्रेम स्प्लिट होता है इंटरप्टेड होता है इनटू कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सेगमेंट्स इसको कोडिंग सेगमेंट को हम एग्जॉन्स कहते हैं और नॉन कोडिंग सेगमेंट्स को हम इंट्रॉन कहते हैं तो तभी यूक्राटिक जीन को स्प्लिट जीन भी कहते हैं और लास्ट प्रॉपर्टी है जीन की एंड बाउंड्री ऑफ द जीन एक है जी स्टार्ट बाउंड्री जीन कहाँ से स्टार्ट होता है तो वो प्रोमोटर साइट होता है प्रोमोटर रीजन होता है प्रोमोटर सिक्वेंस होती हैं और जीन कहाँ पर एंड हो रहा है उसको एंड बाउंड्री को हम ये डिफरेंट होती हैं यूक्री में पॉली ए सिग्नलिंग सीक्वेंस जीन के बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होता है ये लास्ट बाउंड्री को डिफाइन करती है जीन की और ये जनरली ये कंसर्व सीक्वेंस होता है ए यू ए और प्रोक्रिया आर्ट में जो लास्ट बाउंड्री होती है वो इन्वर्टेड रिपीट टू इन्वर्टेड रिपीट्स इमीजिएटली फॉलोड बाई फोर टू एट रेसिड्यूज ये प्रॉपर्टी प्रोक्रिया आर्ट्स के अंदर होती है तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो एक डीएनए एन फ्रैगमेंट को जीन की प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती हैं वो प्रोमोटर साइट्स uh, हैं या प्रोमोटर सीक्वेंसेस हैं रीडिंग फ्रेम है और एंड बाउंड्री ऑफ द ए पोली सीक्वेंस या टू टू इन सो दिस इज हाउ स्ट्रक्चर ऑफ द जीन लुक्स लाइक इन केस ऑफ द दूक्रियाट के जीन हमेशा प्रोमोटर साइट से स्टार्ट होता है उसके बाद फिर एग्जाम्स इंट्रॉन एग्जान्स इंड्रॉन एग्जान एंड सो आन और उसके बाद एंड पे जो डार्क ब्लू कलर का आपको नज़र आ रही है पोली ए सिग्नलिंग सिक्वेंस है तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कन्फर करती हैं एक डी एन ए फ्रैगमेंट को टू एक्ट एज अ जीन ये प्रॉपर्टी अगर किसी डी एन ए फ्रैगमेंट के अंदर नहीं होंगी तो देट डी एन ए फ्रैगमेंट विल नॉट बी कॉल्ड एज़ अ जीन फिर चूंकि तो यूक्रे आर्ट्स के अंदर जो रीडिंग फ्रेम होता है वो स्प्लिट होता है इनटू कोडिंग नॉन कोडिंग यानी एग्जान इंट्रॉन तो चूंकि एग्जान भी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं और इंट्रॉन की कंपोजिशन भी न्यूक्लियोटाइड की होती है ये भी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं ये भी डीएनए होता है ये भी डीएनए होता है तो फिर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ इंट्रॉन की होती हैं जो एग्ज़ान के अंदर नहीं होती जैसे हर इंट्रॉन स्टार्ट होता है विद अ कंजर्व डाई न्यूक्लियोटाइड जी टी सीक्वेंस और हर इंट्रॉन एंड पे डाई कंजर्व ए जी होता जी टी को स्प्लाइस और ए जी को स्पाइस एक्सेप्टर साइट कहते हैं और ये हर इंट्रॉन के स्टार्ट में एंड पे स्टार्ट पे एंड पे ये होता है और ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन इंट्रॉन एंड एक्सॉन दिस इज हाउ अ कंप्लीट स्केच ऑफ जीन एंड इट्स स्पेसिफिक प्रोटीन के जीन हमेशा स्टार्ट होता है प्रोमोटर से उसका रीडिंग फ्रेम अगर ये यूक्रॉटिक जीन है तो यू रीडिंग फ्रेम जो है वो स्प्लिट होगा इन टू कोडिंग इन एग्जाम एंड नॉन कोडिंग इन सेगमेंट इनकी इनिशियली ट्रांसक्रिप्शन होती है ट्रांसक्रिप्शन के रिज़ल्ट में जो कुछ जीन इन डी एन ए लेल पर होता है वही छप के आर एन ए के ऊपर आ जाता है प्रिंट हो के आर एन ए के ऊपर आ जाता है तो प्रीमश्योर आर एन ए में कोडिंग नॉन कोडिंग सैगमेंट सारे होते हैं फिर एक मैकेनिज्म होता है इसको स्प्लाइसिंग कहा जाता है स्प्लाइसिंग के मैकेनिज्म में जितने भी नॉन कोडिंग सेगमेंट है यहाँ पे रेड कलर के ये सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं और एंड पे एक मेच्योर आर एन ए बन जाता है यानी ये यह वो प्रोसेस है जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद चलता है यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म है स्प्लाइसिंग के रिजल्ट में इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और एक इंटेक्ट मेच्योर आर एन ए बनता है ये ट्रांसलेट होके एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाता है विच इज़

तो अगर सेंथेसिस ऑफ डी एन ए फ्राम आर एन ए हो रही हो तो ऐसे मैकेनिज़्म को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है सो so, रेप्लिकेशन को हम डिफाइन करते हैं सेंथेसिस ऑफ डी एन ए फ्राम डी एन ए और इसका पर्पज़ डी रेप्लिकेशन का पर्पज़ है टू प्रोपिगेट द इंफॉर्मेशन क्योंकि अगर कोई पेरेंटल सेल अपनी लाइफ कंप्लीट करके ग्रो कर रहा है और फिर उसने डिवाइड होना है तो दोनों बनने वाले डॉटर सेल्स के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पेरेंटल सेल की प्रॉपर्टीज़ जानी चाहिए और चूंकि ये प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम जीन कहते हैं तो इट मीन्स कि ये सारे और जीन डी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो इट मीन्स के डी का डबल होना ज़रूरी है तो डी के डबल होने का की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं इसके डायरेक्शनलिटी हमेशा चेंज डायरेक्शनलिटी इज आलवेज फ्रॉम फाइव प्राइम टू तो थ्री प्राइम डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट करते हैं एज ए रिजल्ट एक पेरेंटल डीएनए दो डॉटर डीएनए बना देता है तीन हाइपोथेसिस पहले थे कि जी जो रेप्लिकेशन है ये किस मॉडल को फॉलो करती है क्या रेप्लिकेशन सेमी कंजरवेटिव मॉडल को फॉलो करती हैं क्या रेप्लिकेशन कंजरवेटिव मॉडल को फॉलो करती हैं या रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव मॉडल को फॉलो करती हैं ये तीन हाइपिज़ ये थे कि जी अगर डी एन ए सेमी कंजरवेटिव मॉडल को फॉलो कर रही है तो सेमी कंजर्वेटिव मीन के एक पेरेंटल डी एन ए है जो यहाँ पर आपको ये रेड कलर का नज़र आ रहा है तो जो दो नए बनने वाले डॉटर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल और एक न्यूली सेंथसाइज स्ट्रैंड होगा जो आपका डाटा स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है कि एक ब्लू कलर का स्ट्रैंड है जो न्यूली सेंटसाइज है और एक रेड कलर का स्ट्रैंड है जो पेरेंटल से डिराइव्ड है तो इट मीन्स के हर नए बनने वाले डीएनए में या डॉटर डीएनए में आधा पेरेंटल डीएनए एन कंजर्व चला आ रहा है सेव हो रहा है इसीलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल या हिपोते स्टेज सेकेंड कंजर्वेटिव मॉडल कंजर्वेटिव मॉडल मीन्स के जब पेरेंटल डीएनए रेप्लिकेट हो जाए तो रेप्लिकेशन के बाद पेरेंटल डीएनए अलग एदा हो जाए आपस में कॉम्प्लीमेंट कर लें और नए बनने वाले डॉटर डी एन एलैदा होकर आपस में कॉम्प्लीमेंट कर लें यही पेरेंटल डी एन ए सारे का सारा कंजर्व हो जाए और डॉटर डी एन एलहदा से कंजर्व हो जाए इसलिए इसको कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल थर्ड हाइपोथेसिस था डिस्पर्सिव मॉडल कि पेरेंटल डी एन ए से जब डॉटर डी एन ए का स्ट्रैंड बने तो पेरेंटल डी एन ए स्टूडेंट फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाए जिसमें कुछ पोर्शन पेरेंटल कुछ न्यूली सिंथेसाइज कुछ पेरेंटल कुछ न्यूली सिंथेसाइज अगर आप इन स्ट्रैंड को देखें DNA है और हर स्ट्रैंड ऑफ जो है ये कुछ पेरेंटल और कुछ सिंथेसाइज कुछ पेरेंटल कुछ न्यूली डी डीएनए पे कंसिस्टेड है तो इट मींस के पेरेंटल जो डीएनए है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसलिए इसको कहते हैं dispersive model. तो ये तीन हाइपोथेसिस थे कि डीएनए रेप्लिकेशन इन तीन में से किसी एक मॉडल को फॉलो करती है लेकिन एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले इसको एंड स्टाल ने इसको एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया कि डीएनए की रेप्लिकेशन बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करती है इसके लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन्होंने ई कोलाय सेल्स पे एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने एक नॉर्मली ग्रोइंग मीडिया जिसमें अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन फोरटीन का जो नॉर्मल आइटम है उस मीडियम के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे वहाँ से कल्चर लिया और उनको ट्रांसफ़र किया टू न्यू मीडिया कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन फिफ्टीन आइसोटोप। उसके बाद उन्होंने एक रीडिंग ली आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स और सेकंड रीडिंग ली आफ्टर फोर्टी मिनट्स क्योंकि बैक्टीरिया का एक सेल ट्वेंटी मिनट्स में रेप्लिकेट करता है सो तो ईच रेप्लीशन ईच सेल डिवीजन मीन्स ईच तो चूंकि से बैक्टीरिया सेल डिवाइड होता है ट्वेंटी मिनट्स में तो इट मीन्स कि अगर ट्वेंटी मिनट्स हैं तो इट मीन्स के फर्स्ट राउंड ऑफ़ और अगर फोर्टी मिनट्स हैं तो इट मीन्स के सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन टू राउंड ऑफ़ एप्लीकेशन तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर ट्वेंटी मिनट्स के बाद उन्होंने क्या किया ट्वेंटी मिनट्स के बाद उन्होंने कुछ सेल्स लिए उसमें से डी एन ए आइसोलेट किया एंड दैन दे परफॉर्म द डेंसिटी ग्रेडियन ये चेक करने के लिए कि कितने बैंड्स नज़र आते हैं डी के क्योंकि एक एक डीएनए जो जो पेरेंटल डीएनए था वो नाइट्रोजन फ़ोटीन पे कंसिस्टेड था उसमें नाइट्रोजन फोर्टीन के आइटम्स थे और जो न्यू डीएनए था वो प्रॉबेबली नाइट्रोजन फ़िफ्टीन वाले आइसोटोप का था तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अगर डीएनए एन कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करती हैं तो बैंड नज़र आएंगे और एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव मॉडल को फॉलो करती हैं तो फिर एक बैंड नज़र आएगा तो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में एक्चुअली एक ही बैंड नज़र आया तो जिसने कंजर्वेटिव मॉडल को ऑल टुगेदर निगलैक्ट कर दिया और फिर ऑफ कंपटीशन वाज डिवेलप कि सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव में से कोई सा एक मॉडल फॉलो होता है तो जो सेकंड रीडिंग ली गई आफ्टर द मिनट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर सेमी कंजर्वेटिव है तो फिर दो बैंड नजर आएंगे और अगर डिस्पर्सिव है तो एक बैंड नजर आएगा तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट दे एक्चुअली गॉट टू बैंड्स तो आफ्टर द सेकंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन तो इट कन्फर्म के डी एन बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करते हैं दिस इज द एक्सप्लेनेशन ये कंजर्वेटिव मॉडल डिस्पर्सिव एंड द सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर दो बैंड्स होंगे तो कंजर्वेटिव मॉडल एक एक बैंड होगा तो डिस्पर्सिव मॉडल जबकि इन एक्चुअल एक ही बैंड नज़र आया उसके बाद ये मेथड तो ड्रॉप हो गया ये हाइपोथेसिस ड्रॉप हो गया इन दो में से किसी एक को कंफर्म करना था अगेन इट वाज एक्सपेक्टेशन कि अगर एक बैंड होगा तो इट मींस कि ये डिस्पर्सिव मॉडल है और अगर दो बैंड होंगे तो इट 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 विल इंडिकेट कि ये कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है तो इन एक्चुअल दो बैंड नज़र आए तो इट कन्फर्म कि एक एक डी एन ए रेप्लिकेशन बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करती हैं जिसमें आफ्टर द रेप्लिकन जो पेरेंटल डी एन ए है उसका एक स्ट्रैंड हर डाटा डी एन ए के अंदर कंजर्व हो जाता है